न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेलवे ट्रैक पर टैंक और भारी हथियारों के साथ दौड़ी सेना की ट्रेन। आपात स्थिति के लिए तैयार है भारतीय सेना। भारतीय सेना का रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए टैंक, सैन्य वाहनों और भारी उपकरणों की ढुलाई का ट्रायल मंगलवार को सफल रहा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भारतीय रेलवे ने विकसित किया है। इसका मतलब यह हो कि भारतीय सेना किसी भी आपात स्थिति में ऐसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए अपने भारी हथियारों को रेल मार्ग से तेजी से ढुलाई के लिए किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहेगी और बहुत ही कम समय में फौज की जरूरतों की यह साजो सामान मोर्चे तक पहुँचाए जा सकेंगे। मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के एक साल पूरा होने पर यह सफल ट्रायल उन 20 भारतीय शहीद जवानों के लिए भी एक सम्मान की तरह देखा जा सकता है। यहां बता दें कि गत 7 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC के रेवाड़ी मदार रेलखंड का लोकार्पण कर डबल ट्रैक कंटेनर ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की थी। हरियाणा और राजस्थान में तकरीबन 306 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक गुजरात के पोर्ट्स को उत्तर भारत से जोड़ने में सहायक साबित होगा। भारतीय रेलवे के अनुसार यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हाल ही में विकसित किया गया। भारतीय सेना ने कहा कि DFC बनाकर रेलवे ने पूरे भारत में सामानों की तेजी से ढुलाई सुनिश्चित कर दी है। भारतीय सेना ने यह सफल ट्रायल कर मिलिट्री ट्रेन पर टैंक वाहन और भारी उपकरण न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा के बीच ढोकर पूरा किया है और इस कॉरिडोर की क्षमता की पुष्टि कर दी है। फौज की ओर से कहा गया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारतीय रेलवे के साथ भारतीय सेना की ओर से चुनौतीपूर्ण लेकिन सही समन्वय से सशस्त्र बलों की लामबंदी क्षमता में भारी इजाफा होगा। इस तरह का ट्रायल राष्ट्र के संसाधनों के भरपूर और बिना वादा के इस्तेमाल के नज़रिए से किया गया है, जिसमें कई मंत्रालयों की विभागों का तालमेल जरूरी रहता है। भारतीय रेलवे की मदद से भारतीय सेना को इस ट्रायल रन में मिली कामयाबी पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा कि वाहनों और उपकरणों के साथ मिलिट्री ट्रेन का सफल ट्रायल रन न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा के बीच किया गया, जिससे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के प्रभावी होने की पुष्टि हुई है। DFC भारत के झंडे के लिए सशस्त्र बलों की लामबंदी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। सेना इस ट्रायल को सशस्त्र बलों की आपसी तैयारी को बढ़ाने के लिए रास्ता तैयार करने की प्रक्रिया में पहला कदम मान रही है। सेना के मुताबिक इस तरह के पहल से राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास में सैन्य जरूरतों को जोड़ने के लिए योजना बनाते समय से ही उसी प्रक्रियाओं में शामिल करना सुनिश्चित हो सकेगा।